सब्सक्राइब कीजिए नुमान टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान ताहिर और आप देख रहे हैं नुमान टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जिस मोबाइल का स्पीडस कंपैरिजन आपके लिए लेकर आया हूँ, ये दो फोन है हमारे पास। लेफ्ट साइड की आपसे बात करूँ तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है टेक्नो का कैमन 12 एयर और ये मोबाइल तकरीबन 2019 के अंदर लॉन्च हुआ था और काफी ज्यादा धूम मचाई थी इस मोबाइल फोन के जब ये आया था, क्योंकि ये पहला ऐसा मोबाइल फोन था जो आपको कम प्राइस के अंदर आपको एक पंच होल कैमरे वाला आपको डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा था, जो कि इससे पहले सैमसंग के महंगे फोनों में हमें देखने को मिलता था। उसके बाद दोस्तों, जो राइट साइड पे हमारे पास फोन है वो है हमारे पास इन्फिनिक्स का हो 10। अब जो हमारे पास कैमन 12 एयर है ये भी 4GB 64GB वाला वेरिएंट है और जो इन्फिनिक्स का हो 10 है ये भी 4GB 64GB वाला वेरिएंट है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इन दोनों फोन का स्पीडस कंपैरिजन, देखेंगे कौन सा फोन हमें ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कर देगा। इन्फिनिक्स हो 10 के अंदर जो हमें प्रोसेसर देखने को मिल जाता है वो हमारे पास मीडियाटेक का हीलियो G70 का प्रोसेसर है, जबकि कैमन 12 एयर के अंदर जो हमारे पास प्रोसेसर देखने को मिलता है वो मीडियाटेक का हीलियो P22 का प्रोसेसर है। अब ये दोनों ही प्रोसेसर पबजी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो इन्फिनिक्स का प्रोसेसर वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कर देता है। तो वीडियो के अंदर देखिएगा, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोनों फोन को यहां से कर लेते हैं सबसे पहले बूट अप। राइट साइड में इन्फिनिक्स है, लेफ्ट साइड में हमारे पास टेक्नो है, तो दोनों फोन को करते हैं यहां से बूट अप। रिस्टार्ट कर लेते हैं दोनों को एक साथ और देखते हैं कि कौन सा फोन हमें जल्दी हमारा स्टार्ट होता है और कौन सा फोन हमारा लेट स्टार्ट होता है। तो यहां से मैंने कर लिया दोनों फोन को रिस्टार्ट और देखते हैं कि कौन सा फोन हमें जल्दी हमारा स्टार्ट होता है और कौन सा लेट स्टार्ट होता है। दोनों फोन हमारे ऑन हो रहे हैं। जब तक दोनों फोन हमारे ऑन हो रहे हैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोनों फोन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। कैमन वाला मुझे लग रहा है कि शायद इन्फिनिक्स से जल्दी स्टार्ट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे लग रहा था कि कैमन 12 एयर जो है वो हमारा जल्दी ऑन हो गया, जबकि इन्फिनिक्स हो 10 थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब ये टाइम क्यों ले रहा है इसके पीछे मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है। इन्फिनिक्स के फोन अक्सर मैंने ये चीज इन्फिनिक्स के फोन में देखा है कि अक्सर ये कुछ फौरन कह लें कि जल्दी से ऑन हो जाते, कभी ये इतनी देर लगाते थे ऑन होने में, हालांकि कोई अपडेट भी नहीं आई होती। फिर भी मैंने इन्फिनिक्स के बहुत सारे मॉडलों का मैंने स्पीडस कंपैरिजन किया है, उनके अंदर मुझे ये इशू देखने को मिला है कि अक्सर फोन जल्दी ऑन हो जाते, अक्सर फोन देर से ऑन होते हैं। ये पता नहीं अब क्या रीजन है, मैं नहीं जानता। यहां से ब्राइटनेस को हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से नजर आ सके। ओके जी दोस्तों, तो दोनों फोन हमारे हो गए हैं इस वक्त टर्न ऑन, आप देख सकते हैं। दोनों फोन को मैं इस वक्त जो है सेम वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद देखते हैं कि रिसेंट ऐप को भी यहां से खत्म कर लेता हूं ताकि तमाम हमारे जो रिसेंट ऐप है वो इस वक्त खत्म हो जाए और हमारे दोनों फोन सेम वाईफाई से कनेक्ट हो जाए। अब हमारे दोनों फोन सेम वाईफाई से कहने की कनेक्टेड है, इसी का डाटा मैं इस पर शेयर कर रहा हूँ। तो अब सबसे पहले यहाँ से जो रिसेंट ऐप्स उसको मैं यहाँ से ख़त्म कर लेता हूँ, जो भी हमारे रिसेंट ऐप्स खुले हुए हैं उनको मैं तमाम को बंद कर लेता हूँ। उसके बाद करते हैं अपना स्पीड टेस्ट कंपेरिजन स्टार्ट। ओके जी, तो अब हमारे दोनों फोन अब अपनी ऑफिशियल पोजिशन में आ चुके हैं। अब सबसे पहले करते हैं यहाँ से फोन डायलर को ओपन। फोन डायलर ओपन करके देख लेते हैं, इन्फिनिक्स हो 10 आगे रहा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ से मैसेजिंग ऐप को देख लेते हैं। दोनों फोन्स के अंदर मैसेजिंग ऐप के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स हो 10 थोड़ा सा आगे रहा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ से कैमरा ऐप को ले लेते हैं, ओपन कर लेते हैं कैमरा एप्लीकेशन को। कैमरा ऐप के अंदर टेक्नो कैमन 12 एयर थोड़ा सा आगे रहा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहां से YouTube को ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर। YouTube के अंदर भी कैमन 12 एयर आगे रहा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहां से और कुछ एप्लीकेशन को ट्राई आउट कर लेते हैं वन बाय वन करके। गैलरी को यहां से ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर। गैलरी के अंदर इन्फिनिक्स हो 10 आगे रहा। उसके बाद दोस्तों ओएक्स को ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर।
ओएलएक्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स होट 10 आगे रहा, क्योंकि अपडेट आ रही है तो वो ऑन नहीं हुआ, बाकी ओपन होने में इन्फिनिक्स होट 10 आगे रहा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ से एमएक्स प्लेयर को ओपन करके देख लेते हैं, एमएक्स प्लेयर कौन से फ़ोन में जल्दी जो है वो ओपन होता है। एमएक्स प्लेयर यहाँ से ओपन कर लेते हैं। एमएक्स प्लेयर भी आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स होट 10 हमारा आगे रहा, जबकि कैमन 12 वेयर ने थोड़ा सा टाइम लिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ से और गूगल क्रोम को ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर। गूगल क्रोम के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्नो कैमन 12 वेयर है वो थोड़ा सा आगे रहा। उसके बाद दोस्तों कैमरा एप्लीकेशन को हमने ट्राई आउट कर लिया यहाँ से। उसके बाद टिकटॉक एप्लीकेशन को देख लेते हैं, टिकटॉक को ऑन करके देखते हैं कि कौन से फोन में जल्दी ओपन होता है टिकटॉक। टिकटॉक के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स होट 10 हमारा थोड़ा सा आगे रहा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन करके देख लेते हैं। प्ले स्टोर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स होट 10 हमारा आगे रहा। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम यहाँ से और कोई एप्लीकेशन की अगर आपसे बात करूँ तो इंस्टाग्राम को ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर, इंस्टाग्राम कौन से फोन के अंदर जल्दी ओपन होता है। इंस्टाग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स होट 10 हमारा थोड़ा सा आगे रहा इंस्टाग्राम ओपन करने में भी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ से फाइल मैनेजर को ले लेते हैं, फाइल मैनेजर ओपन करके देख लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर। यहाँ से मैंने दोनों फोन्स के अंदर फाइल मैनेजर यहाँ से ओपन करो, दोनों फोन्स के अंदर ये मैंने यहाँ से फाइल मैनेजर ओपन किया, तो आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स होट 10 हमारा आगे रहा फाइल मैनेजर ओपन करने के अंदर भी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ से कोई और एप्लीकेशन को अगर ट्राई आउट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से कैलकुलेटर को अगर हम ओपन कर लेते हैं दोनों फोन्स के अंदर, देखते हैं कि कैलकुलेटर कौन से फ़ोन के अंदर जल्दी ओपन होता है। कैलकुलेटर के अंदर आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स होट 10 आगे रहा। अब ज़्यादातर इन्फिनिक्स होट 10 हमारा आगे रह रहा है, बस एक दो एप्लीकेशन के अंदर ही हमारा टेक्नो वाला जो फ़ोन है वो आगे रहा, बल्कि ज़्यादातर जो स्पीड में वो हमारा टेक्नो वाला मोबाइल पीछे रहा है, बाकी ज़्यादातर उसमें हमारा इन्फिनिक्स वाला फ़ोन जो है वो आगे है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ से स्नैपचैट को ओपन करके देख लेते हैं। स्नैपचैट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स होट 10 आगे रहा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ से व्हाट्सएप को ओपन करके देख लेते हैं। व्हाट्सएप के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स होट 10 हमारा आगे रहा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ से कोई और एप्लीकेशन की आपसे बात करूँ फाइनल, तो कॉन्टैक्ट्स को ओपन करके देख लेते हैं दोनों फ़ोन्स के अंदर कि कॉन्टैक्ट दोनों फ़ोन के अंदर किस में जल्दी ओपन होते हैं और किस में लेट। तो यहाँ से मैंने किए दोनों फ़ोन्स के कॉन्टैक्ट्स ओपन, तो कॉन्टैक्ट्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमारा जो ये इन्फिनिक्स वाला होट 10 है वो आगे रहा। अब दोस्तों यहाँ से वन बाय वन करके देखते हैं अपने जो हमारे वेबसाइट्स वगैरह, जो अब हम फेसबुक को भी एक दफ़ा यहाँ से देख लेते चेकआउट कर लेते। फेसबुक के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स होट 10 हमारा आगे देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद जो जो एप्लीकेशन हमने खोली थी उसको वन बाय वन करके हम कर लेते हैं रिलोड, चेक कर लेते हैं। अब इन्फिनिक्स के अंदर आपको मैंने बताया था कि बहुत सारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, उसके पीछे क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, बल्कि आप देख सकते हैं कि टेक्नो के अंदर भी हमारी बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो बंद हो गई है। अब टिकटॉक को दोबारा से यहाँ से ओपन करके देख लेते हैं कि टिकटॉक कौन से फ़ोन के अंदर रिलोड टाइम लेता है और कौन से फ़ोन के अंदर नहीं लेता। तो आप देख सकते हैं कि इन्फिनिक्स होट 10 के अंदर टिकटॉक ने बिल्कुल भी रिलोड टाइम नहीं लिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ से हम गूगल प्ले स्टोर को ओपन करके देख लेते हैं। प्ले स्टोर भी दोनों फोन्स के अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया, रिलोड टाइम दोनों फोन्स का हमें इस वक्त अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके बाद इंस्टाग्राम को ले लेते हैं, इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं कि दोनों फोन ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ से फाइल मैनेजर को ओपन करके देख लेते हैं। फाइल मैनेजर आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स होट 10 हमारा आगे रहा, टेक्नो कैमन 12 वेयर हमारा थोड़ा सा पीछे देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ से कैलकुलेटर को ओपन करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर में भी किसी किस्म का हमें रिलोड टाइम नहीं देखने को मिला दोनों फोन्स के अंदर, दोनों फोन्स बिल्कुल फास्ट बिल्कुल सेम टाइम रहा। उसके बाद स्नैपचैट को ओपन करके देख लेते हैं। स्नैपचैट आप देख सकते हैं कि टेक्नो वाले फ़ोन के अंदर आगे रहा, जबकि इन्फिनिक्स होट 10 हमारा थोड़ा सा पीछे हमें देखने को मिला है, ज़्यादा फर्क नहीं था लेकिन थोड़ा सा फर्क था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ से व्हाट्सएप को ओपन करके देख लेते हैं। व्हाट्सएप के अंदर भी आप देख सकते हैं कि दोनों फोन ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया। तो ओवरऑल अगर आप ओपन करने की बात करते हैं तो इन्फिनिक्स होट 10 हमें आगे देखने को मिला है, कुछ एप्लीकेशन में हमारा टेक्नो कैमन 12 आगे रहा, लेकिन रिलोड के अंदर दोनों फोन बराबर रहे, दोनों फोन के अंदर हमें रिलोड वगैरह देखने को नहीं मिला। तो बस दोस्तों ये था हमारा आज का स्पीडस कंपैरिजन। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपको दोस्तों मानता है, अल्लाह हाफिज़।